एंड यू विल फील, आपको एक बहुत बढ़िया अंदर से फील आएगी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। वो सेंस, वो अंदर से, मैं शुरू से टॉपिक से कह रहा हूँ, सारा खेल किसका है? सारा खेल आपके मन का है। आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपका जो टाइम वेस्ट है, जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपका पढ़ाई के प्रति कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपने मन को जीत लिया तो समझ लीजिए आपका आईआईटी जेई का एग्जाम जो है वो क्रैक हो गया। आपने क्वेश्चन कितने भी किए हों, आपने टॉपिक कितने भी पढ़े हों, बट अगर आप में वो सिंसेरिटी आ गई, अगर आपके मन ने ये समझ लिया कि भाई मेरे को जाना ही आईआईटी में है, मैं पूरी मेहनत लगा दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा, तो आप ये चीज़ समझ लें कि आप डेफिनेटली आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं, बहुत ईजिली। मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर क्रैक कर पाया, तो आप भी क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी अभी प्रेपरेशन जीरो है तो ओवरनाइट ही हम ऑल इंडिया रैंक वन बन जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे अगर हम काम करते चलेंगे, धीरे धीरे अगर हम बढ़ते चलेंगे पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, नेगेटिव थॉट्स को दूर करके, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स एंड बी अ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है, जो खिंचाव है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज की तरफ, वो बहुत ज़्यादा होता है। बट आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके फैमिली सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे आपको दूर रहना है, नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। पॉजिटिविटी को आप रिपेल करते हो, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, बट आपको रिपेल नहीं करना है। बी ए प्रोटॉन एंड स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स इन योर फ्रेंड सर्कल।